नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस साल मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन ये मूवी जितनी अच्छी थी उतनी ही ज्यादा क्वेश्चनेबल भी थी, क्योंकि ये मूवी मल्टीवर्स के साथ अपने कुछ क्वेश्चंस भी अराइज करती है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और पॉसिबली उन्हें आंसर भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड पुलिस न्यू अबाउट निक फ्यूरी। अब जैसे ही पीटर की आइडेंटिटी सबके सामने आती है, तो फेडरल एजेंट्स वाले उसे और उसके दोस्तों को मिस्टीरियो के डेथ के लिए क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाते हैं। अब उसी दौरान एक फेडरल एजेंट वाला पीटर को एक लंबी चौड़ी लिस्ट भर के क्राइम सुनाता है, जिस पर पीटर कहता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है एंड अगर वो चाहे तो वो निक फ्यूरी को भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस पर फेडरल एजेंट कहता है कि निक फ्यूरी पिछले एक साल से प्लेनेट पर नहीं है एंड ये सुनते ही पीटर शॉक हो जाता है। अब इस मूवी के आगे की स्टोरी में बहुत कुछ एक्सप्लोरिंग था, इसलिए इस सीन को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भले ही ये सीन छोटा रहा हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट उससे कई ज्यादा था, क्योंकि फार फ्रॉम होम में फ्यूरी को स्पेस में देखने के बाद सभी ये गेस करने लगे कि फ्यूरी अर्थ पर कभी था ही नहीं। सबको ये कहा जा रहा था कि फ्यूरी एक्चुअल में स्पेस में कब गया और उसने अपना ये मिशन कब स्टार्ट किया। एंड फाइनली इस छोटे से सीन ने हमें इसका आंसर दे दिया कि निक फ्यूरी पिछले एक साल से स्पेस में था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, विच इज अगर पुलिस को निक फ्यूरी के स्पेस में होने का पता है तो क्या उन्हें अर्थ पे घूम रहे शिफ्ट शिफ्टिंग स्क्रल्स के बारे में भी पता है, क्योंकि स्क्रल्स पिछले एक साल से निक फ्यूरी के भेष में घूम रहे थे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने निक फ्यूरी को कभी एनकाउंटर ना किया हो। अब हो सकता है कि ये एक प्लॉट होल हो या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह हो, जिसका हमें आने वाले द सीक्रेट इन्वेजन में पता चले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड स्पाइडरमैन न्यू द अदर पीटर नीडेड हेल्प। अब नेट जब पीटर को ढूंढने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग से एंड्रू गारफील्ड और टोबी को ढूंढता है, तब टोबी को कैसे पता चलता है कि टॉम वाले स्पाइडरमैन को उसकी जरूरत है। मैं जब से यहां आया हूं तुम्हारे दोस्त को ढूंढ रहा हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। अब इसका सीधा सा आंसर है जे जोना जेम्सन। जे जोना जेम्सन की न्यूज ब्रॉडकास्ट पूरे न्यूयॉर्क में बड़े बड़े स्क्रीन्स पर दिखाई जाती है एंड उन्हीं में से एक ब्रॉडकास्ट देखने के बाद टोबी टॉम वाले स्पाइडरमैन को ढूंढने निकलता है एंड तभी नेट पोर्टल खोलता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तब टोबी को कुछ अजीब फील होता है। वो कहता है कि स्पाइडरमैन को उसकी जरूरत है एंड ना सिर्फ वो बल्कि एंड्रू गारफील्ड भी ये सेम चीज कहता है, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ पीटर अपनी जान से भी प्यारी एकलौती आंट मे को हमेशा के लिए खो चुका था एंड उसकी ये फीलिंग्स इतनी डार्कनेस एंड एम्प्टीनेस से भरी थी कि ये टोबी और एंड्रू गारफील्ड को भी सेंस होता है, क्योंकि वो दोनों भी कुछ इसी तरह के दर्द से गुजरे थे जब अंकल बेन की मौत हुई थी तब और जब ग्वेन स्टेसी मरी थी तब। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पाइडरमैन की जो स्पाइडर सेंस है वो ना सिर्फ उसके आसपास के खतरों से उसे वार्न करती है, बल्कि जब बहुत से स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तब वो उन सभी स्पाइडरमैन को एक साइड बाइंड भी करती है, जिसकी वजह से जब कोई भी स्पाइडरमैन किसी मुसीबत में होता है तब उसकी सेंसेशन बाकी सभी स्पाइडरमैन को भी होती है एंड ये हमने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में भी देखा था। अब स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस का ये जो कारनामा है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सभी स्पाइडरमैन अपनी पावर वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से ड्रॉ करते हैं, जो कि उनके पावर सोर्स का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। एंड स्पाइडरमैन के कॉमिक्स के वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर मैडम वेब, जिस पर सोनिया पूरी सीरीज निकालने का सोच रहा है, वो भी अपनी पावर इसी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से ड्रॉ करती है एंड होपफुली उसमें भी हमें ये तीनों स्पाइडरमैन फिर से देखने को मिले, ज्यादा मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रो सच में स्पाइडरमैन को जानता था, क्योंकि नो वे होम के एंडिंग में जब एंड्रू गारफील्ड अपना मास्क निकालता है तब इलेक्ट्रो उसे देखकर कहता है कि यू आर जस्ट अ किड, विच मींस कि अगर इलेक्ट्रो पीटर को जानता ही नहीं था तो फिर वो यहाँ इस यूनिवर्स में आया कैसे? क्या ये एक प्लॉट होल है या फिर ये एक मिस्टेक है जैसा मोस्ट ऑफ द लोग समझते हैं? तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी थी तो उसमें जब इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन के फाइट के बाद जब इलेक्ट्रो अनकॉन्शियस हो जाता है तब ग्वेन स्पाइडरमैन को पीटर कहकर बुलाती है एंड ये सुनते ही इलेक्ट्रो फट से जाग जाता है। No matter what, Peter. अब इलेक्ट्रो यहाँ पीटर को पर्सनली जानता नहीं था एंड ना ही उसने बाकी के विलन्स की तरह कभी पीटर का चेहरा देखा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ खींचा आता है
क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल कास्ट किया था वो कभी पीटर का चेहरा देखने को लेकर था ही नहीं, वो जस्ट पीटर की आइडेंटिटी को लेकर था। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी ऐसा मेंशन भी नहीं किया कि जिन विलन्स ने पीटर का चेहरा देखा है वो यहाँ आ रहे हैं। नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहते हैं कि जो भी लोग पीटर को जानते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन है वो लोग यहाँ खींचे आ रहे हैं। विच मीन्स कि वहाँ उस सीन में इलेक्ट्रो ग्वेन को ये कहते हुए सुन लेता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है एंड उसका यहाँ पर आना कोई प्लॉट होल या मिस्टेक नहीं है। एज ग्वेन की वजह से ही वो ये जान चुका था कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड हीलिंग विलन्स क्रिएट न्यू टाइमलाइन। अब देखा जाए तो विलन्स को हील करके भेजने से वो टाइमलाइन जो हम सभी ने देखी थी जिसमें सभी विलन्स मारे जाते हैं, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो टाइमलाइन भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टाइमलाइन चेंज हुई होगी क्योंकि एंड गेम में प्रोफेसर हल्क ने ये क्लियरली बताया था कि चेंजिंग द पास्ट डजंट चेंज द फ्यूचर। इनफैक्ट जब एवेंजर्स टाइम में पीछे जाकर स्टोन्स को लेकर आते हैं तब भी फ्यूचर टाइमलाइन चेंज नहीं होती। ऑल्सो एंशिएंट वन ने भी ये बताया था कि टाइमलाइन में किसी भी वक्त छेड़खानी करने से वहाँ एक ब्रांच रियलिटी क्रिएट होती है। एंड सिमिलर सा एक्सप्लेनेशन हमने व्हाट इफ के सीरीज में भी देखा था जब वॉचर ये कहता है Space. Reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility. Where a single choice can branch out into infinite realities. Creating alternate worlds from the ones you know. Which means कि अगर एक सिंगल चॉइस एक पूरे नए यूनिवर्स को जन्म दे सकता है तो फिर उस एंटायर इवेंट को चेंज करने से एक अल्टरनेट रियलिटी डेफिनेटली बननी चाहिए। एंड जिन विलन्स को पीटर ने हील किया है वो अब एक सिमिलर सी रियलिटी में जाएंगे जहां वो जिंदा बचते हैं, या फिर वो वहां पहुंचते ही एक ऐसी रियलिटी क्रिएट होंगी जहां वो लोग मरते हैं उसी सेम वे में जैसे हम सभी ने देखा है। अब अगर आपने भी स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है एंड उसे देखने के बाद आपके भी मन में ऐसे ही सवाल आए हो तो आप अपने सवालों को बेफिक्र होकर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.